नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे LIC के न्यू पेंशन प्लान जीवन अक्षय 7 के बारे में, जिसे LIC ने 25 अगस्त 2020 से लॉन्च कर दिया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि LIC के जीवन अक्षय 7 के विभिन्न विकल्पों में कितनी कितनी पेंशन दी जा रही है तथा इसकी पेंशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यदि आप जीवन अक्षय 7 के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, जिसका वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन अक्षय 7 में कितनी कितनी पेंशन मिलती है। अब हम इस चार्ट के माध्यम से आपको 10 लाख पर मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में चर्चा करते हैं। पेंशन अमाउंट जानने से पहले आपको ये जानकारी दे दें कि इस प्लान में केवल ऑप्शन एफ और जे ही आपके लिए बेटर हैं, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में ही आपको निवेश की गई राशि को वापस लौटाया जाता है। चार्ट के माध्यम से यदि आपकी एज 30 साल है तो आपको ऑप्शन एफ में 53,768 रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी और ऑप्शन जे में 53,666 रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार यदि आपकी एज 40 साल है तो ऑप्शन एफ में 54,074 रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी और ऑप्शन जे में 53,870 रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार यदि आपकी एज 50 साल है तो ऑप्शन एफ में 54,380 रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी और ऑप्शन जे में 54,176 रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी। यदि आपकी एज 60 साल है तो आपको ऑप्शन एफ में 54,992 रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी और ऑप्शन जे में 54,686 रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार यदि आपकी एज 70 साल है तो आपको ऑप्शन एफ में 55,808 रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी और ऑप्शन जे में 55,400 रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार यदि आप इस प्लान को 80 की एज में लेते हैं तो आपको ऑप्शन एफ में 56,624 रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी और ऑप्शन जे में 56,318 रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी। इस प्लान में यदि आप इस प्लान को कम एज में लेते हैं तो आपको कम पेंशन दी जाती है और यदि आप इस प्लान को ज़्यादा एज में लेते हैं तो आपको ज़्यादा पेंशन दी जाती है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं। इस प्लान को लेते समय आप जिस विकल्प का चुनाव कर लेते हैं उस विकल्प को भविष्य में बदला नहीं जा सकता और चुने गए विकल्प के अनुसार मिलने वाली पेंशन राशि आपको जीवन भर मिलती रहेगी और डेथ होने पर आपके द्वारा निवेश की गई राशि को आपके नॉमिनी को या आपके परिवार को वापस लौटा दी जाएगी। अब बात करते हैं LIC जीवन अक्षय 7 में पेंशन अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप को डाउनलोड करना होगा और आपको टाइप करना होगा LIC ऑल इन वन कैलकुलेटर और आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा और आपको पेंशन सेक्शन में जाकर उस प्लान को ढूंढना है, प्लान नंबर 857 जीवन अक्षय 7, और आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से फॉर्म ओपन होगा और आपको इसमें अपनी जानकारियां डालनी है, जैसे आपको नाम डालना है और एज में आपको 30 साल से लेकर 85 साल तक की एज डालनी है। आपकी एज जो है वो आपको एंटर करनी है, हम 55 डाल लेते हैं। और एनुटी ऑप्शन में आपको ए से लेकर जे तक ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से आपको बेटर ऑप्शन एफ और जे ही है तो हम एफ को चूज कर लेते हैं। और इसमें आपको सम अश्योर डालना है, मिनिमम सम अश्योर 1 लाख है तो हम 10 लाख की एनुटी डाल लेते हैं और कैलकुलेट पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यह इन्फॉर्मेशन इस तरीके से मिलेगी और आपको आपके पेंशन की जानकारी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड में मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस ऐप के द्वारा आप इस पॉलिसी में विकल्प ए से लेकर जे तक हर ऑप्शन का पेंशन अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी LIC जीवन अक्षय 7 में पेंशन अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं की जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।